आज आप ये फंड भी मेरा देख ले। अजी, इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ तबका हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की, लेकिन डॉक्टर अरशद मुगल जो कि डिप्टी मेयर सकर हैं, उन्होंने भी एक जानदार तकरीब से खिताब किया और बच्चों में जज्बा हुब्बुल वतन देकर इंतहाई खुशी से वो भी सरशार नजर आए। इन्हीं से जानते हैं सर, बच्चों की परफॉर्मेंस आपने देखी, आपने विटनेस किया, कैसा लगा आपको बच्चों में जोश व जज्बा जो आज उन्होंने आपके सामने परफॉर्म किया है? देखिए जी, इतना खूबसूरत और पुरवकार प्रोग्राम था ये 1965 की जंग के हवाले से, जो बच्चों के अंदर आपने आज देखा एतमाद कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर था बोलने का, और जो अल्फाज का जो सिलेक्शन थी इनकी, तलफ़ जो इनका था, वो बता रहा था कि ये आगे चल के अपने ज़िंदगी के अंदर जिस महाज पर भी होंगे, मैं समझता हूँ कि वो महाज पर इनको फतह नसीब होगी। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हमारे तमाम बच्चों में टैलेंट है, सिर्फ ये है कि मैंने जिस तरह वो इकबाल का एक शेर पढ़ा था कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्तवीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। तो इसी तरह अगर ये हम इसकी नशोनुमा करते रहे तो ये बहुत ज़रखेज़ होगी और पूरा मुल्क जो है ना दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करे। पहले तो ये है कि मैं आज के मौके की मुनासबत से अपने शहीदों को सलाम पेश करती हूँ, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद फ़जाओं में सांस ले रहे हैं, उनकी कुर्बानियों की वजह से हम आज़ाद फ़जाओं में सांस ले रहे हैं, आज़ाद कौम है। दो लफ्ज़ गा के मैं ज़रूर पेश करूँगी। आज आप ये फंड भी मेरा देख ले। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।